मोदी अब भाषण दे जाता है, हर बार उल्लू बनाता है। जानिए मोदी पिछले 5 साल से बिहारियों को कैसे उल्लू बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2015 में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 5 साल गुजर गए, बिहार के किसी भी बीजेपी या जेडीयू नेता से इसके बारे में पूछ लें, बंगले झांकते नजर आएंगे। उनका कहना है कि चूंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कितना काम हुआ। पैकेज में 54,713 करोड़ सड़कों और पुलों के लिए था, 21,476 करोड़ पेट्रोलियम और गैस परियोजना और 1,550 करोड़ कौशल विकास पर था। इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता कि आपके राज्य में सड़क बन जाए और आपको पता भी ना चले। आपको बता दूं कि रोड और पुलों के काम को खुद बिहार सरकार ने ही 75 हिस्सों में बांटा था, उनमें से सिर्फ 13 ही पूरी हो सकी है, बाकी का पता नहीं, शायद 2025 का इंतजार है। 2015 के पैकेज की घोषणा के बाद खुद नीतीश कुमार ने उसकी आलोचना की थी। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है, बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। 2017 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री लल्लन सिंह ने विधानसभा में बताया था कि बिहार को पैकेज से 28,117 करोड़ ही मिले हैं। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले थे कि पैसा बजट से आएगा, लेकिन कब तक, इस सवाल पर चुप हो गए। पैकेज में गंगा पर 8 पुल बनने थे, बना सिर्फ एक, पटना हाजीपुर वाला। 13 सितंबर को मोदी ने 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए 2015 के पैकेज की याद दिलाई, पर पटना में घर तक गैस पहुंचाने की बात छिपा गए, जो 2018 तक पूरी होनी थी। कोसी रेल महासेतु अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का प्रोजेक्ट था। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, यानी मोदी 2015 से ही बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। अब फिर उल्लू बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पीएम के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए बजट में कोई शीर्ष बनाया ही नहीं गया। ये जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं ये लोग, अफवाह मास्टर लोग, इस तरह के झूठे वादे अगर सड़क छाप पार्षद करे तो जमता है, पीएम को नहीं। आपकी आवाज